वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं गैलेक्सी टेक टिप्स, समथिंग टेक की समथिंग टिप्सी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ व्हाट्सअप की कुछ ऐसी सेटिंग्स जिन्हें 90% लोग नहीं जानते। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखते रहिए। अगर आपने एक भी स्टेप मिस कर दी तो हो सकता है आप कोई ज़रूरी सेटिंग मिस कर दें। तो फ्रेंड्स, नहीं किया है आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो रेड बटन पर क्लिक करके तुरंत कर लीजिए एंड साथ में बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली नई अपडेट्स और नई सेटिंग्स, सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी जानकारी आप मिस ना कर सकें। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आ चुके हैं हम व्हाट्सएप पर। सबसे पहले बात कर लेते हैं फ्रेंड्स प्राइवेसी सेटिंग्स की। तो उसके लिए हमको सबसे पहले ऊपर 3 डॉट्स दिखते हैं, इन पर क्लिक करना है। इसके बाद में हमको सबसे नीचे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में फ्रेंड्स ऊपर हमको अकाउंट का ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। इसके बाद फाइनली हमको प्राइवेसी पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं लास्ट सीन। फ्रेंड्स, लास्ट सीन क्या होता है कि जब भी आप व्हाट्सएप ओपन करते हैं तो जितने भी मेम्बर होते हैं, जिनके पास भी आपका नंबर होता है, उनको पता चल जाता है कि आपने लास्ट बार अपना व्हाट्सएप कब ओपन किया था। तो फ्रेंड्स, आप नहीं चाहते कि किसी को पता चले, या फिर आप चाहते हैं कि नहीं जो मेरे पास नंबर सेव हैं केवल उन्हीं को पता चले, तो आप माई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स आप चाहते हैं नहीं मैं केवल और केवल व्हाट्सएप ओपन करूं और किसी का रिप्लाई ना दे पाता हूं, इसीलिए मेरा लास्ट सीन कोई ना देख पाए, तो आप नोबडी कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं अबाउट। अबाउट क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी आप अकाउंट क्रिएट करते हैं तो अबाउट में कुछ ना कुछ आपको लिखना होता है। तो फ्रेंड्स, आप अबाउट में भी सेम वही प्रोसेस कर सकते हैं कि आपके अबाउट के बारे में कौन देख सकता है और कौन नहीं। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स प्रोफाइल फ़ोटो की। तो फ्रेंड्स, प्रोफाइल फ़ोटो में भी आप वही सेम प्रोसेस कर सकते हैं कि आप चाहें तो आपका प्रोफाइल फ़ोटो कोई भी देख सकता है, जिसके पास भी आपका नंबर होगा वो आपका प्रोफाइल फ़ोटो देख सकता है। नहीं, आप चाहते हैं यार मेरा नंबर तो बहुत जगह है, पता नहीं किस किस के पास में पहुंच गया है, आपने इंटरनेट पे नंबर डाल रखा है, आप चाहते हैं केवल और केवल वो ही देखें जिनके पास मेरा नंबर है, उनका नंबर मेरे पास सेव है, तो आप माई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स मेन स्टेटस की। फ्रेंड्स, जब भी आप कोई स्टेटस अपलोड करते हैं तो जितने भी आपके कॉन्टैक्ट के होते हैं सभी देख सकते हैं। आप चाहते हैं नहीं केवल और केवल ये 2 मेंबर्स हमारी स्टेटस ना देख पाएँ, बाकी सारे मेंबर्स देख पाएँ, तो आपको माई कॉन्टैक्ट एक्सपर्ट पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं इस तरह का ऑप्शन दिख जाता है। अब फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि ये 2 मेंबर्स हमारी स्टेटस को ना देख पाएँ, बाकी सारे मेंबर्स देख पाएँ, तो आपको उनको क्लिक करके सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स, इससे क्या होगा कि वो 2 मेंबर्स हमारी स्टेटस नहीं देख पाएंगे, बाकी सारे मेंबर्स देख पाएंगे। अब आप चाहते नहीं केवल और केवल हमारी ये 2 मेंबर्स ही स्टेटस देख पाएँ, बाकी कोई मेंबर हमारी स्टेटस ना देख पाए। अब फ्रेंड्स, जैसे ही आप इन 2 को सेलेक्ट करते हैं या 3 को सेलेक्ट करते हैं, जिन जिनको आप चाहते हैं, केवल और केवल वही आपकी स्टेटस देख पाएंगे, बाकी आपकी कोई नहीं देख पाएगा। उसके बाद में सिंपली आपको डन पर क्लिक कर देना है। अब फ्रेंड्स बात करते हैं रीड रिसीप्ट्स की। फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि जब भी आप किसी का मैसेज आता है और पढ़ लेते हैं तो वहाँ ब्लू टिक पहुँच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप चाहते हैं कि आप किसी का मैसेज पढ़ लें और उसे ये भी पता ना चले कि आपका मैसेज पढ़ लिया है या नहीं, तो आप इसको टर्न ऑफ कर सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन इससे एक घाटा भी है, अगर आप मैसेज पढ़ लेते हैं और उसको पता नहीं चलता है तो आपको भी पता नहीं चलेगा कि आपका मैसेज पढ़ा गया है या नहीं। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स ग्रुप्स की। तो ग्रुप आप जब भी कोई बनाते हैं तो आप चाहते हैं केवल और केवल मैं मैसेज कर पाऊँ, बाकी कोई ना कर पाए, तो आप नोबडी कर सकते हैं। और आप चाहते हैं नहीं मेरे कॉन्टैक्ट में 4 मेंबर्स हैं वही मैसेज कर पाएँ, बाकी कोई ना कर पाए, तो हम माई कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पर आप चाहें नहीं ग्रुप में कोई भी मैसेज कर सकता है, तो आप एवरीवन कर सकते हैं और सिंपली डन पर क्लिक करना है। इसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं लास्ट
ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट्स। फ्रेंड्स जितने भी ब्लॉक्ड कॉन्टैक्ट होते हैं जिनको आपने ब्लॉक कर रखा है उनको सिंपली यहाँ देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड नोटिफिकेशन सेटिंग्स की। फ्रेंड्स अगर आप किसी ऐसे ग्रुप में जुड़ गए हैं जिसमें बहुत ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं और आपको व्हाट्सएप ओपन करके देखना पड़ता है कि कहीं कोई ज़रूरी मैसेज तो नहीं आ गया, तो आप चाहते हैं कि उनकी नोटिफिकेशन आपको ना मिले, तो फ्रेंड्स सिंपली आपको उस ग्रुप पर थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। और जिन जिन ग्रुप के आप नोटिफिकेशन नहीं पाना चाहते या जिस भी कॉन्टैक्ट के आप नोटिफिकेशन नहीं पाना चाहते उसको भी सेलेक्ट करके सिंपली यहाँ ऊपर ऑडियो का ऑप्शन दिखता है, इस पर टच करना है। इसके बाद में सेलेक्ट करना है कि आप 8 घंटे तक नोटिफिकेशन नहीं पाना चाहते, 1 वीक या 1 साल तक। उसके बाद में सिंपली ओके कर देना है। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स कुछ और नोटिफिकेशंस की। आप देख रहे होंगे फ्रेंड्स यहाँ पे इनकी नोटिफिकेशन बंद हो चुकी है। तो फ्रेंड्स सिंपली हमको 3 डॉट पर क्लिक करना है, सेटिंग्स पर जाना है और इसके बाद में फ्रेंड्स हमको नोटिफिकेशन पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन टोन की। अगर आप चाहते हैं कि हमारी नोटिफिकेशन टोन सबसे अलग हो, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट सभी की एक सी होती है, नहीं आप चाहते हैं कुछ अलग हो तो यहाँ से आप चूज कर सकते हैं। आप जो भी लगाना चाहें, फाइल से लगा सकते हैं या फिर अपने फ़ोन से लगा सकते हैं। इसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं नोटिफिकेशन टोन ग्रुप वाले की, कि आप चाहते हैं कि ग्रुप्स में नोटिफिकेशन अलग, अगर ग्रुप में कोई भी मैसेज आए तो आपको पता चल जाए हाँ ग्रुप का मैसेज है, तो फ्रेंड्स उसके लिए आप यहाँ से टोन सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये ग्रुप में मैसेज आया है और आप उसको प्रायोरिटी देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं कॉल की। तो कॉल की बाई डिफ़ॉल्ट जो आपके फ़ोन की रिंग होती है वही होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप व्हाट्सएप कॉल की नोटिफिकेशन सेट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फ्रेंड्स अदर फीचर्स एंड सेटिंग्स की। सिंपली 3 डॉट पर क्लिक करके हमको सेटिंग्स पर जाना है। इसके बाद में फ्रेंड्स हमको चैट पर क्लिक करना है। अब फ्रेंड्स आप देख रहे होंगे एंटर इज सेंड, आपके पास में जो एंटर की होती है आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे आपका मैसेज सेंड हो जाएगा। आप इसे चाहें तो ऑन कर सकते हैं, जैसे एंटर करेंगे आपका मैसेज चला जाएगा। इसके बाद में फ्रेंड्स खास सेटिंग्स आती है मीडिया विजिबिलिटी। फ्रेंड्स जो आपके फ़ोटोज वीडियोस आते हैं वो सिंपली हमको गैलरी में दिखाई दे जाते हैं। आप चाहते हैं कि वो उनको हम गैलरी में ना दिखाएं, केवल व्हाट्सएप पर ही देख सकें, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप इसे बंद कर सकते हैं। अब आपकी वीडियोज एंड फ़ोटोज़ गैलरी में या कहीं अदर जगह नहीं दिखेंगे, केवल व्हाट्सएप पर ही दिखेंगे और आप चाहें तो इसे ऑन रहने देने। अब बात करते हैं फॉन्ट साइज़ की। फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ से फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, स्मॉल, छोटे अक्षर, मीडियम या लार्ज। इसके बाद में फ्रेंड्स बात करते हैं ऐप लैंग्वेज की। तो सिंपली यहाँ से आप ऐप की सेटिंग कर सकते हैं, जो भी आप लैंग्वेज चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो हिंदी कर सकते हैं, आप चाहें तो जो भी चाहें आप कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं वॉलपेपर की। तो वॉलपेपर में फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ से कोई भी आप चाहे अपना फ़ोटो या किसी और का फ़ोटो गैलरी से ले सकते हैं, वाइड डिफ़ॉल्ट ले सकते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि सॉलिड कलर तो आप यहाँ से कोई भी कलर चूज कर सकते हैं। इस तरह से आप और सेट पर क्लिक कर देना, आपको जो भी चाहिए आप उसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स बात करते हैं बैकअप की। आप चाहते हैं कि अगर बाई डिफ़ॉल्ट हमारा धोखे से कहीं व्हाट्सएप अनइंस्टॉल हो जाए, डिलीट हो जाए और हमारी बैकअप जो चैट है वो हमारी सेव रहे, तो आप यहां से बैकअप ले सकते हैं। आप चाहे तो गूगल ड्राइव में ले सकते हैं, फ़ोन में ले सकते हैं। सिंपली बैकअप पे क्लिक करना है, उसके बाद में आपको गूगल अकाउंट सेलेक्ट करना है। इसके बाद में चैट हिस्ट्री, यहाँ से आप जितनी भी चैट हुई है उसकी हिस्ट्री देख सकते हैं कि आप कितनी एक्सपोर्ट चैट की है, कितनी आपके पास आई है, और आप चाहे तो यहाँ से जितनी भी चैट हुई है, जितनी बातें हुई हैं आपकी उसे डिलीट कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स डाटा एंड स्टोरेज में। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख रहे होंगे नेटवर्क यूसेज,
ये तो आपका नेटवर्क यूसेज हो गया। अब फ्रेंड्स बात करते हैं स्टोरेज यूसेज। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आप चाहें तो यहाँ से आप पर्सनल अब देख सकते हैं किस में कितना हमारा डेटा गया हुआ है, कितनी मेमोरी हमारी भरी हुई है। फ्रेंड्स आप चाहते हैं कि इसका डेटा जो है हमको फ्री करना है तो आपको फ्री अप स्पेस कर देना है, उसके बाद में क्लियर मैसेज। अब फ्रेंड्स आप देखेंगे कि वहाँ से हमारी जो भी डेटा था वो जा चुका है और हमारा फ्री अप स्पेस हो चुका है। इसके बाद में बात करते हैं फ्रेंड्स मीडिया ऑटो डाउनलोड। इसमें फ्रेंड्स ऑटो बाय डिफॉल्ट फोटोज अपने आप डाउनलोड होते हैं, चाहे आप डेटा पे हों चाहे आप वाईफाई पे हों। वाईफाई पे सारी ऑल मीडिया जितनी भी है वो डाउनलोड होने लगती है अपने आप। और आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आप जैसे ही डाटा ऑन करें तो आपका जो भी मीडिया है वो अपने आप डाउनलोड होने लगेगा, फोटो ऑडियो वीडियो या डॉक्यूमेंट अपने आप डाउनलोड होने लगेगा। आप जिसको चाहें ऑटो डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें नहीं कि डेटा मेरा कम है और अपने आप कुछ भी डाउनलोड ना हो, जिसे मैं डाउनलोड करना चाहता हूँ वही डाउनलोड हो, तो यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप वाईफाई पे। और अगर आप रोमिंग में हैं कहीं पे तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं फ्रेंड्स लो यूसेज डाटा की। तो फ्रेंड्स जब भी आप कॉल करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, तो HD में आपकी कॉलिंग होती है। आप चाहते हैं कि मेरे पास डेटा कम है, ज़्यादा टाइम तक मैं बात कर पाऊँ कम डेटा में, तो आप इसे ऑन कर सकते हैं। इसमें HD से HD क्वालिटी हो जाएगी और आपका डेटा कम जाएगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, क्योंकि मैंने सारी सेटिंग्स और सारे फीचर्स आपको बता दिए हैं। और अगर कुछ सुझाव शिकायत है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इसी तरह से अपना प्यार दीजिएगा। थैंक्स फॉर ऑल फ्रेंड्स।